हे दोस्तों, मैं ब्रिजेश पासी आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बता दूँ, इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाला हूँ अबाउट द कुवैत, कतर, सारी कंट्रीज़ के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई किए हुए हैं, जो कि पेड जॉब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। सो एक लिस्ट आप लोगों के सामने मेरे पास यहाँ पे पूरी फाइल पड़ी हुई है, जिसमें बहुत सारे पेंडिंग कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि वरी कर रहे हैं। आज संडे है, मैं चाहता हूँ सभी लोगों को मैं पर्सनली कॉल करूं, उनसे बातें करूं और सारा उनका मुद्दा क्लियर करूं। तो सबसे आसान वे मुझे इस वक्त लग रहा है कि मैं उनको वीडियो बना के सभी लोगों को बताऊं उनका नाम क्या है, उन्होंने कितना अमाउंट सबमिट किया है और कहां से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो सबसे पहले फाइनली स्टार्ट करते हैं कतर कंट्री से। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं कतर कंट्री की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कतर कंट्री में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोगों से मेरी बातें हो गई है, जिनको कन्वर्ट कर दिया गया है किसी और कंट्री के लिए, और जिनसे मेरी बातें नहीं हुई है उनको किनको कन्वर्ट होना है किसी कंट्री में। लाइक मेरे पास किसी अदर कंट्रीज में वैकेंसी है, लाइक बैंकॉक है, रशिया है, साउथ कोरिया है, जिजू आइसलैंड साउथ कोरिया में, अभी दुबई कंट्री अवेलेबल है। इन कंट्रीज में अगर ये बंदे जाना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है, कतर बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, या फिर दो ऑप्शन मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों, रिफंड चाहिए तो रिफंड ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग अपना कंट्री चेंज कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ से। तो फाइनली मैं यहाँ पे नाम अनाउंस करना चाहता हूँ सभी लोगों का आपके सामने। यहाँ पे सबसे पहला नाम मैं बता रहा हूँ कि मैथवाड संतोष तुकाराम, ये इन्होंने अप्लाई किया है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इनको अप्लाई करके। कतर फोरमैन की पोस्ट पे इन्होंने अप्लाई किया, इनका पासपोर्ट इनके पास ही है और इन्होंने टोटल यहाँ पे जो है 35,000 टोटल यहाँ पे 5,000 20,000 15,000 मतलब कि टोटल ओवरऑल 40,000 40,000 रुपये जमा किए हैं। अगर मैं मनी बताने में कोई अगर गलत अनाउंसमेंट करता हूं तो आप लोगों के पास हमारा डिटेल है, कॉल करके आप लोग अपना मनी अगर गलत मैंने अनाउंसमेंट किया ज़्यादा या कम तो आप लोग बता सकते हैं कि सर आपने गलत अनाउंसमेंट किया है। सो फाइनली आगे बढ़ते हैं, तुकाराम जी की पोस्ट मैंने यहाँ पे बता दी, उनकी मनी कितनी सबमिट है बता दिया गया है कतर के लिए। अभी किसी और कंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो ओवरऑल मैं सबके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो अपनी कंट्री। और ये टोटल हो चुका है इनका अनाउंसमेंट क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पे नाम है कार्तिक मिस्त्री का, इन्होंने 35,000 रुपये इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर कतर के लिए अप्लाई किया था और इनको दुबई में फाइनली एक बार कन्वर्ट किए थे हम, और फिर इसके बाद वो कतर का ऑप्शन आया कि होने वाला है, फिर कतर में डाला गया। फाइनली ये फ्रस्ट्रेट होकर हमें बोले कि सर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो अगला मैं बता दूँ, पिछला 2 दिन पहले ही मैंने इनको टोटल 35,000 रिफंड किए हैं। कार्तिक मिस्त्री जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपके मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको पैसे वापस दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सो यहाँ पे तीसरा नाम बिलाल अब्दुल जी का है, जो कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कतर के लिए अप्लाई किए थे, 40,000 इन्होंने सबमिट किया हुआ है, अभी भी इसके लिए प्रॉब्लम में है। बिलाल जी के लिए मैं स्पेशल यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि सर मेरे पास अकाउंटेंट की पोस्ट का जॉब दुबई कंट्री में है, अगर आप जाएंगे तो आपको मैं नियर अबाउट 1500 से 2000 दुबई दरम में सैलरी दिला सकता हूँ अकाउंटेंट पोस्ट में, वो भी 30 दिन के अंदर आपका काम 100% हो जाएगा और 3 महीने के विजिट वीज़ा पे भेजूंगा और उसी 3 महीने में आप लोगों का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी दोस्तों, और आपका उसके अंदर सर्विस चार्जेस जो भी रहेगा आप लोगों को उसी टाइम ऑन द स्पॉट बता दिया जाएगा कॉल पे जब बात होगी तब। सो नेक्स्ट यहाँ पे नाम मैं बता दूं, मोहम्मद सनम राणा जी का है, ये भी अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कतर में अप्लाई कर रहे हैं, 30,000 रुपये इन्होंने जमा किया है, इनसे ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है और ये दुबई कंट्री अकाउंटेंट के लिए प्रोसीड करने के लिए तैयार हैं, ये प्रोसीड कर रहे हैं। तो बिलाल जी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप भी प्लीज़ प्रोसीड करें। तो सनम राणा जी ऑल द बेस्ट, आपका सून रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट नाम है विकास कुमार जी, बहुत ही ओल्ड कैंडिडेट हैं यहाँ पे हमारे पास, इनको थोड़ा फिजिकली मैं बता दूँ मेडिकल इशू है इनका, कुछ हेपेटाइटिस बी इनके मेडिकल रिपोर्ट में निकल के आया, मैकेनिकल इंजीनियर कतर के लिए इन्होंने अप्लाई किया, 50,000 रुपीज़ जमा किया है, इनका सुन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं बता दूं मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट छोड़ के किसी भी एजुकेशन लाइन पोस्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको दुबई में जॉब दिलवा सकता हूँ। विकास जी अगर आप जाओगे तो आपको अबाव 1500 दरम से लेके 2500 दरम तक आपको सैलरी मैं यहाँ पे दिलवा सकता हूँ, तो आप अगर आप जाना चाहते हो तो आप प्लीज़ प्रोसीड करें आप दुबई कंट्री के लिए।
अगर आप कॉल करते हैं तो जरूर मैं कोई ना कोई आपको ऑप्शन दूंगा वहां पे। सो नेक्स्ट नाम आप लोगों के सामने है मोहम्मद मुस्तकीम का। मोहम्मद मुस्तकीम जी जो कतर के डक्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी। मैं बता दूं मुस्तकीम जी ऑलरेडी हमसे बात हो चुकी है उनकी। 30,000 रुपये इन्होंने भरा है और इनको मैंने कन्वर्ट किया है दुबई के लिए। ये दुबई में जाने के लिए रेडी हैं। और मेरे भाई बंधु जो भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका इसके अंदर मैंने नाम अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 नाम है कतर के लिए, अगर आप लोगों का नाम अनाउंसमेंट हुआ है और आपने अभी तक स्टिल कोई डिसीजन नहीं लिया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, या तो अपना पैसा रिफंड मांग ले या फिर किसी अदर कंट्री के लिए प्रोसीड करें। क्योंकि अगर प्रोसीड करते हैं तो अब से भी प्रोसीड करेंगे तो 1 महीना तकरीबन लग जाएगा और 100% आप लोगों को हम जॉब दिलवाएंगे, लेकिन कतर कंट्री का जो अप्लाई किया आप लोग वो पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली होप सो कि आप लोग हमारी मजबूरी और हमारा जो प्रोसेस है उसे समझ सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अंडरस्टैंडिंग है और बहुत से लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसी ट्रस्ट के वजह से शायद हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ सिस्टम में जा रहे हैं। अगर आप लोग हम पे भरोसा करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आप लोगों को चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, कैसे यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय।